जिंदल बनाम जी न्यूज का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस सांसद और कारोबारी नवीन जिंदल ने जी न्यूज पर 100 करोड़ की फिरौती का आरोप लगाया है। जिंदल का आरोप है कि जी न्यूज ने कोयले घोटाले की खबर को दबाने के लिए 100 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 13 सितंबर को, 17 सितंबर को और 19 सितंबर को ये जो तीन मीटिंग्स हुई तो उसके अंदर जो है वो 20 करोड़ जो है बढ़ करके वो 100 करोड़ रुपए मांगने लगे कि नहीं, ये आपके सुनने में जो है फर्क रहा होगा, लेकिन उन्होंने यही दबाव डाल करके भी अगर आप नहीं करोगे तो हम इसी तरह से आपके बारे में आपकी हम बदनामी करते रहेंगे, आपकी डिफेमेशन हम जारी रखेंगे। जबकि जी न्यूज का आरोप है कि JSPL जो कि जिंदल की कंपनी है उसके कुछ अधिकारियों ने जी न्यूज को खबर का सच न दिखाने के लिए 100 करोड़ की पेशकश की थी। समीर सुधीर, 10 तारीख को जो मेरी पहली मीटिंग हुई थी वो जो उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेडर रवि मुथरेजा के साथ, वहां उन्होंने मुझे 25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। उन्होंने बोला 25 करोड़ रुपए तू ले और सारी खबरें रोक दे जिंदल ग्रुप के खिलाफ जो हम चला रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको जब मना किया तो उन्होंने बोला हम आपके चैनल के साथ, जी न्यूज लिमिटेड के साथ एक एडवर्टाइजिंग डील करते हैं। मैंने उनको साफ करा कि हमें ऐसा कोई डील में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तुमसे मिले हैं सिर्फ आपकी स्टोरी जो हम चला रहे हैं उसका वर्जन लेने के लिए। दरअसल जी न्यूज ने JSPL और जी न्यूज के पत्रकारों की उस मुलाकात को खुफिया कैमरे में कैद कर लिया था जिसके दम पर जी न्यूज लगातार कोयला घोटाले को उजागर कर रहा है। वही इसके उलट नवीन जिंदल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सीडी दिखाकर जी न्यूज पर 100 करोड़ की फिरौती का आरोप लगाया है। 20 से 25 हो तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, चलो इतना डर, 20 से 100 यार 5 टाइम्स ये कहा कि 20 करोड़ रुपए कर दो जी। मीटिंग के पहले भी यही बात थी, बता पूछूं मैं, आई टोल्ड यू द अमाउंट व्हिच आई वांटेड, पर एनम मैं मान सकता हूं, पर एनम ये फिगर है, पर एनम बहुत छोटा अमाउंट है। अब सवाल ये कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है, नवीन जिंदल या फिर जी न्यूज। फिलहाल जिंदल की सीडी की जांच होना अभी बाकी है। सीडी की जांच के बाद ही अब इस विवाद की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट।